सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज चल रही फिल्म की शूटिंग, वहीं जा रहे हैं। कहाँ चल रही? पुनाड़ी जा रहे हैं। स्पॉट लगे पास, स्पॉट लगा। वही बताया पांडे की मूवी को शूटिंग चल रही है, तो आज वहीं देखने जा रहे हैं। शाम को चलते हैं। शाम को आज शाम को चलते हैं ना। अभी मैं और सुनील जा रहे हैं। क्या करना? ओह, डिसाइड किया कि हम पल्सर लेके जाएं। आज संडे है, चलते हैं। गाड़ी की चाबी का है। संडे और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो आज पहली बार सुनील का घूमने के लिए जा रहे हैं पल्सर के ऊपर। काफी मजा आने वाला है। सो पिछले दो दिन से अपना फोन हो गया था खराब, और बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। वो काफी ज्यादा शेक हो रहा था, काफी ज्यादा हैंग हो रहा था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट अभी ये कुछ ठीक हुआ है, तो देखते हैं जितनी बनती होती है तो बनाते हैं। फिर मोबाइल चेंज करने की सोच रहे अपन, तो काफी सारा काम करना है अभी आज। सो चलते हैं। सो पहले करेंगे नाश्ता, क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग रही है। कल जिम भी नहीं गए थे, लेट हो गए थे इस वजह से। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, जिम के बाहर ही है नाश्ता। हमेशा की तरह यहाँ से नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस पोहे खाने के लिए मना करा हुआ है ट्रेनर ने, फिर भी सोच सोच के रोज पोहे खाता है ये बंदा। खाता शर्म नहीं आती आपको? तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं एक जगह फॉर्म भरने के लिए। संडे बट वी आर ऑन ड्यूटी, तो ड्यूटी का पालन कर लेते हैं। फॉर्म भर लेते सुनील का, नहीं करेंगे हम ड्यूटी का पालन। और साले व्लॉग देखते सर अपने। तो गाइस ऐसा कुछ गांव है जिसमें अभी अपन आए हैं। यहाँ से फॉर्म भर के अपन निकल रहे हैं, और फिर जंगलिया खेड़े जा रहे हैं। वही शूटिंग होगी हमारी, वहाँ से फिर एक कोई मूवी की शूटिंग हो रही है। साउथ की कोई मूवी की शूटिंग हो रही है, तो वहाँ चलते हैं। अरे इधर गाइस अभी अपन पहुंच गए खाकला के आसपास, और इसके बाद जो गांव आने वाला है वहीं शूटिंग हो रही है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या सीन होने वाला है, कौन सी शूटिंग चल रही है, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अभी अपन पहली बार जाके देखेंगे क्या हो रहा है, कुछ समझेंगे चीज़ों को, और अगर हो सकता है अपन वहाँ पे किसी से बात भी करें, तो ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं, और कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या मिलने वाला है अपन को। तो चलते हैं, अभी वहीं चल के मिलता हूँ आपसे। फाइनली अपन पहुंच गए हैं जहाँ पे शूटिंग हो रही है। तो बस यही कुछ सामने मैंने मैंने खड़ी है शूटिंग की, तो मैं दिखाता हूँ। तो जी इनका सेट बना रखा है इधर, देख सकता हूँ। वहाँ पे पेंस खड़ी है जहाँ पे शूटिंग हो रही है। अभी देखते हैं वहाँ पे किस चीज़ की शूटिंग चल रही है। तो रास्ता इधर इसका। सो गाइस वहाँ चल रही शूटिंग, वहीं चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ शूटिंग का माहौल चल रहा है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है और माहौल काफ़ी तगड़ा लग रहा है, तो चलते हैं अभी। वहाँ पे चल रही है शूटिंग, देख सकते हो कैमरा और लाइट्स वहाँ पे है, और ये कुछ माहौल है यहाँ का। सो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, आई थिंक लड़ाई हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है, मूवी की तो नहीं लग रही मुझे। सो ये लड़ाई जग रही है हम पे, तो
और वो गिर गया जोरदार तरीके से। सबसे कुछ नकली तलवार है इनके पास जिनसे लड़ाई हो रही है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी शूटिंग हो रही है अभी। धूप के अंदर खड़े ऐसे, और मुझे लगता है वो कोई हीरो हीरो है, कोई पर्ची डायरेक्टर। ये 30 मार खाने वाला सीन लग रहा है इनको तो। गांव वालों को बुलाओ, सोना लूटो। ये भैया बता रहे मूवी का नाम, भैया उत्तमगढ़ मूवी का नाम है, और इसमें हीरो कौन कौन से भैया? चिंकी पांडा है, हीरोइन का नाम तो पता नहीं है। अच्छा जी, हीरोइन का नाम पता नहीं आपको? अच्छा, मतलब ये बॉलीवुड मूवी है साउथ की? कोई बॉलीवुड मूवी है ना, हिंदी मूवी है। बेटू कोई यहाँ पे है ही नहीं चिंकी पांडे वांगे, सब साइड से थे, तो बाकी सब तो चले गए यहाँ से। ये भैया बता रहे हैं यहाँ पर तभी कोई मिलेगा नहीं आपको, तो यही शूटिंग वूटिंग देख ली अपन ने और अब चल रहे हैं। आना अपना व्यर्थ हो गया, यहाँ पे चिंकी पांडे तो मिले नहीं अपन को। यहाँ पे उत्तमगढ़ मूवी शूटिंग चल रही थी, बट यहाँ पर आर्टिस्ट हमें मिले नहीं, सारे साइड आर्टिस्ट पूछे हुए। लास्ट सीन चल रहा है मूवी का, पर धूप बहुत ज्यादा है तो अभी चलते हैं यहाँ से। सुबह से कुछ खाया भी नहीं तो अभी माता दुगर आ गई। भाई को हीरोइन देखने से कौन सी हीरोइन जाके पढ़ते है तो तो ये था कुछ उत्तमगढ़ मूवी का सीन, जो कि हम दिखा नहीं पाए आपको ढंग से क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सिर्फ साइड आर्टिस्ट है तो कोई मतलब तो है नहीं इनका। सो लास्ट सीन चल रहा है मूवी का यहाँ पे, तो लास्ट सीन है मूवी का वो यहाँ पे शूट हुआ था, ये ध्यान रखना आप उत्तमगढ़ के अंदर, और बाकी यहाँ पे मैंने पड़ी हुई। तो ये कुछ सीन है आएगा मेकअप वेन्सी कुछ पड़े यहाँ पे, और खाने वाने की व्यवस्था इनकी यहाँ से हो रही थी, पानी पी लेते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं चिंकी पांडे को देखने के लिए, पर चिंकी पांडे तो यहाँ से चला गया। तो वो सब यही शूटिंग वूटिंग देख के फिर जाएंगे। ये देखो जितने भी लोग आ रहे हैं सब देखने के लिए आ रहे हैं सिर्फ शूटिंग, दैट्स द सीन। लगा चिंकी पांडे से बहुत बुरा, कितना घटिया फील हो रहा है पूछो। तो ये को सीन है और क्योंकि आज लास्ट सीन चल रहा था मूवी का, तो हमने देख लेते हैं क्या सीन होता लास्ट का। और अभी चल रहे हैं अपन गंगापुर वापस से, और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ चल के, भूख भी काफी लग रही है तो खाना वाना खाते हैं। ये आए दूसरों को पढ़ाना, मैं 12 खड़ी पास हूँ। 3 hours later अभी बजे शाम के 7:30, और अभी आए टिफिन लेकर ऑफिस से, और अभी खाते खाना वाना। पंखे की बात लग रही है, पंखा ऐसे हो रहा है कि गिर ना जाए ऊपर, तो इसके नीचे खड़े हो जाते अपन। सुबह का टिफिन में आया चावल, उसके बाद देखते गए दिन, उसके बाद रोटी है और नीचे दाल होगी, इसके नीचे है दाल। सो इसको खाते हैं और फिर आपको गुड नाइट बोलते हैं। पंखा दिख रहा है इसके अंदर यार।